हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अडोब प्रीमियर प्रो में टाइपराइटर इफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल वाइट बैकग्राउंड है और ये इस पर मैंने ये कुछ एक टेक्स्ट टाइप किया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे न्यू आइटम में, यहाँ पे देखें ब्लैक वीडियो के नाम से। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। और ये देखें, ये ब्लैक वीडियो हमारे इस प्रोजेक्ट में आ गया। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको देखें, सबसे पहले हम इसको यूनिफॉर्म स्केल को हम अनचेक कर देंगे और हम इसकी जो विड्थ है इसको हम कर देंगे 1। ठीक है, तो ये इस तरह ये 1 आ जाएगा। और इसकी जो ये जो हाइट है इसको हम अपने हिसाब से कम कर देंगे यहाँ पे, ये इतना ठीक है। और इसका जो पोजीशन है हम इसको सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे, एक कर्सर हमको एक्चुअली बनाना है। ठीक है, और इसको हम अगर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये इस तरह काफ़ी। अभी हमको अपने जो ये टेक्स्ट है इसको हमको थोड़ा एनिमेशन करना, तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लीनियर वाइप। ये ना लीनियर वाइप, इसको हम अपने टेक्स्ट के जो हमारा जो लेयर है इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे और हम उसमें जाएंगे लीनियर वाइप जो हमने कहा। यहाँ पे हम एक बनाएंगे, की फ्रेम करेंगे यहाँ पे, इसको हम कर देंगे 100%। और इसको थोड़ा सा आगे जा करके और इसको कर देंगे 0। अभी हम इसको अगर चला के देखें तो ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है कि ये लेफ्ट से राइट पे हो। इसका वाइप एंगल को हम कर देंगे 270, तो ये लेफ्ट से राइट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये लेफ्ट से राइट होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है इस थोड़ा स्पीड इसकी कम है, तो हम इसको यहाँ से मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इसकी स्पीड थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो। अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये थोड़ी बहुत ठीक है, हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको अपने ये जो हमने ब्लैक वीडियो कर्सर बनाया था इसको एनिमेशन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आएंगे और इसके हम पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम बना देंगे इस तरह का, इस तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे यहाँ तक, और इसको हम बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे यहाँ तक। और हम अब इसको हम चला के देखें तो ये बना तो है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम मैनुअल एडजस्टमेंट इसके में कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में हूँ तो इसको हम 2 फ्रेम आगे करेंगे। देखें, ये वाइप तो हो गया लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से नहीं है यहाँ पे। जैसे ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक किया, हम थोड़ा सा और आगे करेंगे और ये देखें ये अभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम अपने हिसाब से फिर तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम बाय फ्रेम मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखिए इसने काफ़ी सारे वो की फ्रेम इसमें बना दिए एडजस्ट करने के लिए। अभी मैं इसको प्ले करके देखें तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया इस तरीके से। हमको अभी इन्हें कर्सर को ब्लिंक करना है, जैसे कर्सर ब्लिंक करता है ना, तो उसके लिए हम क्या करें, ये ब्लैक वीडियो को हम क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको जो यहाँ पे एक इसको कट लगा देंगे यहाँ पे। और हम अभी क्या करेंगे, हर दूसरे फ्रेम में हम इसको एक कट लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक एक को डिलीट कर देंगे। तो अभी हम इसको अगर चला के देखें तो ये देखिए ब्लिंक करना शुरू हो गया है। ठीक है, ये जो देखें ये लास्ट वाला है इसको हम क्या करें, यहाँ पे आके स्टॉप हुआ, यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। और वैसे ही हम जैसे इस तरह किया था यहाँ पे, हर 2 फ्रेम के बाद एक कट लगा देंगे। तो आई होप कि आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।